हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन फ्रेंड्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माउथ के बारे में इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे सो माउथ के अंडर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है विद द एक्सेप्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड एक अलग से मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इसमें कवर नहीं किया है सो लेट्स स्टार्ट माउथ माउथ ओरल कैविटी और बकल कैविटी माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बकल कैविटी भी बोलते हैं इज एन ओवल शेप्ड कैविटी इन साइड द स्कल ये एक ओवल शेप्ड कैविटी है मीन्स ये राउंड कैविटी नहीं है एग की शेप में ये कैविटी होती है इन साइड द स्कल स्कल हमारा फोर हेड एंड जो भी कम्प्लीट हैड और फेस है इसकी बोन्स को स्कल कहते हैं सो स्कल के अंडर ये प्रेजेंट होती है इन साइड द स्कल माउथ नेक्स्ट द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स माउथ या ओरल कैविटी के चारों ओर मसल्स और बोन्स होती हैं सो so, ये मसल्स और बोन्स से घिरा हुआ है माउथ और ओरल कैविटी। नेक्स्ट इट लाइन्स थ्रू आउट विद म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स थ्रू आउट द ओरल कैविटी मीन्स पूरी ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है और उस लाइनिंग में स्मॉल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं इससे क्या होता है कि जो माउथ है वो मॉइस्ट रहता है हर टाइम ड्राई नहीं होता देन नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ द माउथ फर्स्ट है लिप्स वेस्टिब्यूल ओरल कैविटी गम्स तीत हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट

ओके सो वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन द टीथ लिप्स एंड चीक्स इसके बीच का एरिया है वेस्टिब्यूल नेक्स्ट है टीथ टीथ आर एम्बेडिड इन द सॉकेट्स ऑफ एल्वियोलर रिजेस इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला टीथ कहाँ पर होते हैं कहाँ पर एम्बेडिड होते हैं मतलब कहाँ पर धसे हुए होते हैं सॉकेट्स ऑफ द एलवियोलर रिजेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला मैंडिबल होता है हमारा लोअर जो की बोन जो जो है हमारा मीन्स जबड़ा है लोअर वाला नीचे वाला उसकी उसकी बोन को हम बोलते हैं मैंडिबल और मैक्सिला है अपर जॉ अपर जो की बोन को हम बोलते हैं मैक्सिला तो जो मैंडिबल है वो मूवेबल होता है लेकिन मैक्सिला जो है ये फिक्स रहता है सो so, इसके अंदर जो एल्वियलर रिजिज़ हैं उनके सॉकेट्स में ये एम्बेडेड होते हैं ओके देन आता है टू सेट्स ऑफ तीत दो सेट होते हैं तीत के एक होते हैं टेम्प्ररी और डेसीडुअस भी बोलते हैं इसको और प्राइमरी तीत भी बोलते हैं और भी इसके बहुत सारे नेम्स हैं बेबी तीत भी बोल देते हैं मिल्क तीत भी बोल देते हैं जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दूध के दांत सो so, जो बच्चों में होते हैं बेबीज़ में होते हैं दूध के दांत उनको हम बोलते हैं टेम्प्ररी डेसीडूस और प्राइमरी तित जो मेच्योर एडल्ट में होते हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ तो टू सेट्स होते हैं फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्प्ररी टीथ हम पहले टेम्प्ररी टीथ की बात करेंगे बीस दांत होते हैं देयर आर ट्वेंटी टेम्प्ररी टीथ बीस होते हैं टोटल दस इन ईच जॉ टेन ऊपर वाली जॉ में होते हैं और टेन नीचे वाली में इराप्ट एट सिक्स मंथ्स ऑफ एज जब बच्चा छः महीने का होता है तब इसकी इरप्शन स्टार्ट हो जाती है मतलब तब ये दान निकलने शुरू हो जाते हैं एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाय ट्वेंटी फोर मंथ्स एक साल के अंदर ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए ट्वेंटी टेम्प्ररी टीथ ओके देन आता है परमानेंट टीथ दीज रिप्लेस द टेम्प्ररी टीथ इन सिक्स ईयर ऑफ एज जब बच्चा छः साल का हो जाता है तब उसके जो टेम्प्ररी टीथ हैं मीन्स जो मिल्क टीथ हैं वो परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं टेम्प्रेरी टीथ टूट के परमानेंट टीथ आते हैं देन थर्ट थर्टी टू तीथ आर यूजअली कम्प्लीट बाई ट्वेंटी फर्स्ट ईयर जब इक्कीस साल का बच्चा हो जाता है तब उसके पूरे बत्तीस दांत हो जाते हैं सो टेम्प्ररी तीथ ट्वेंटी होते हैं और परमानेंट टीथ थर्टी टू होते हैं नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हर तूथ की शेप अलग होती है तूत की शेप अलग होती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है सो so स्ट्रक्चर हम देखे, देखेंगे फर्स्ट है क्राउन क्राउन नाम से ही पता लग रहा है कि ताज ताज जो है सिर पर दिखाई देता है तो क्राउन वो पार्ट है जो ऊपर विजिबल है दिस इज क्राउन विजिबल पार्ट पार्ट विजिबल अबव गम्स गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्राउन देन आता है रूट रूट जो है गम्स के नीचे वाला जो बोन में इम्बेडेड है मतलब नीचे धसा हुआ है रूट दिखाई नहीं देती रूट बोन के अंदर वाला पार्ट है जो इम्बेडेड है देन आता है नेक नेक क्या है ये वाला पार्ट जो स्लाइटली नैरो पार्ट है नैरो मतलब हल्का सा संकरा है जहाँ पर क्राउन और रूट आपस में मिल रहे हैं ये वाला पार्ट ये है नेक देन आता है पल्प कैविटी पल्प कैविटी ये वाली कैविटी है ये पूरी पल्प कैविटी है पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स होती हैं नर्व्स होती हैं और जिससे क्या होता है सेंसेशन आती है दूध में दूध में सेंसेशन के लिए नर्व्स ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होती हैं इसमें पल्प में देन आता है द डेंटाइन द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस इनेमल ये पार्ट है क्राउन के अंदर डेंटाइन और इसके ऊपर एक थिन लेयर की कवरिंग है इनेमल इनेमल जो है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है टूथ का एंड इन फैक्ट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये बॉडी का इनेमल ओके देन शेप्स ऑफ परमानेंट टीथ अब शेप्स बरी करती हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही रहता है सो so, फर्स्ट है ये है इनसीजर इनसीजर जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं देन है कनाइन साइड्स वाले इन के बाद केनाइन जो थोड़े से शार्प होते हैं ऊपर से देन प्री मोलर्स केनाइन के बाद आते हैं प्री मोलर्स एंड सबसे लास्ट में आते हैं मोलर्स टीथ देन फंक्शंस ऑफ टीथ इन सीजर्स एंड कनाइंस फॉर कटिंग एंड बाइटिंग इन सीजर्स जो है कटिंग मीन्स काटने के काम आते हैं और बाइट करने के काम आते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वैसा है ये थोड़े से तीखे हैं देन आता है मोलर और प्री मोलर्स प्री मोलर्स थोड़े से ब्रॉड तीत हैं चौड़े हैं इसलिए च्यूइंग चूइंग के काम आते हैं मीन्स चबाने के काम आते हैं च्यू करने के देन डेसीडूर्स एंड परमानेंट डेंटिशंस मतलब जो हमारा प्राइमरी तीत है और ये है सेकेंडरी और परमानेंट तीथ तो प्राइमरी तीथ में दस ऊपर होते हैं दस नीचे होते हैं सो so, सेंटर में होते हैं सेंट्रल इंसीजर्स ये दो हैं सेंट्रल इन्सीजर्स देन इसके बाद लेटरल इंसीजर ये बेबी तीत हैं ये परमानेंट तीत नहीं है ये टेम्प्रेरी तीत मैं समझा रही हूँ सो so, ये है लेटरल इंसीजर साथ में इनका एज दिया हुआ है कि किस किस एज पर ये इरप्ट होते हैं देन केनाइन केनाइन इंसीजर्स के बाद केनाइन है देन ये है फर्स्ट मोलर और ये है सेकेंड मोलर तो बेबीज में प्री मोलर्स नहीं होते फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर भी नहीं होता सो so, ये ऊपर दस हैं और नीचे दस हैं देन हम देखते हैं परमानेंट हिप के बारे में परमानेंट हिप में ये है सेंट्रल इंसीजर्स ये है लेटरल इंसीजर देन कैनाइन देन फर्स्ट प्री मोलर परमानेंट टीथ में होता है जो कि दस से ग्यारह साल में ही होता है फर्स्ट प्री मोलर देन सेकेंड प्री मोलर फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर थर्ड मोलर यहां से ये वाले सेम इस साइड और नीचे भी सेम सेट होता है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा देन हम पढ़ेंगे टंग के बारे में टंग इज कंपोज ऑफ वॉल्यूनट्री मसल्स एंड इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ फ्लोर पे प्रेजेंट होता है मतलब नीचे माउथ के नीचे प्रेजेंट होता है मतलब माउथ के अंदर ही नीचे फ्लोर पर प्रेजेंट होती है टंग टंग कंपोज ऑफ वॉल्यूनट्री मसल्स वॉल्यूनट्री का मतलब होता है जो हमारे विल से चलती हैं जब हम जैसे टंग को हिलाना चाहें वो वैसे मूव करती है सो so, हमारे कंट्रोल में है ये वॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं इसमें नेक्स्ट इट इज़ अटैच टू हाइयड बोन एट द बेस बेस से ये हाईड बोन से अटैच होती है एंड बाय फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मैमब्रेन टंग के ही फोल्ड बनता है एक म्यूकस मैम्ब्रेन का उसको कहते हैं फ्रेनुलम फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ तो ये फ्लोर से कैसे अटैच है एक फोल्ड है म्यूकस मैम्ब्रेन का फ्रेनुलम उसके साथ ये फ्लोर पर अटैच है सो दिस इज फ्रेनुलम फ्रेनुलम है ये सो so इसके साथ ये फ्लोर से अटैच है अब टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है द सुपीरियर सरफेस सुपीरियर मतलब टंग के ऊपर वाला सरफेस सुपीरियर होता है ऊपर द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पैपिले सो टंग के ऊपर न्यूमरस बहुत सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं मैनी ऑफ दीज कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड्स तो टंग के ऊपर इतने सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं टेस्ट बर्ड्स जो हैं टेस्ट को सेंस करते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये टेस्ट कैसा है ओके सो न्यूमरस पेपले के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पेपिले, चार तरह के पेपिले होते हैं फ्रंट पे टिप पे प्रेजेंट होते हैं फंजी फॉर्म पैपले सेंटर में प्रेजेंट होता है फिली फॉर्म पेपिले साइड्स में प्रेजेंट होता है फोली एट पैपिले एंड सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है सर्कम वैलेट पेपिले अब जो फंजी फॉर्म पेप्ले है जो टिप पे प्रेजेंट है ये स्वीट टेस्ट देता है स्वीट टेस्ट तभी हम जब आइसक्रीम खाते हैं अपनी टिप ऑफ द टंग के साथ हम आइसक्रीम को लिक करते हैं तो स्वीट टेस्ट आता है देन सेंटर में हमारा है फिली फॉर्म जो कि हमें सॉल्टी टेस्ट देता है देन फोलिएट पेपले जो कि साइड्स में प्रेजेंट है ये हमें सॉर मीन्स खट्टा टेस्ट देता है सो स्वीट इज स्वीट टेस्ट कौन सा देता है फंजी फॉर्म जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है मीठा टेस्ट देन फिली फॉर्म सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सॉल्टी टेस्ट देते हैं नमकीन टेस्ट और फोलिएट पेपले साइड में प्रेजेंट होते हैं सॉर मतलब खट्टा टेस्ट ये देते हैं हमको एंड सरकम फैलेट सरकम वैलेट पेपिले जो कि लास्ट में प्रेजेंट होते हैं ये हमको बिटर मतलब कि कड़वा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं देन फंक्शंस क्या क्या है टंग के च्यूइंग, चबाने में हेल्प करता है जब हम खाना खाते हैं तो टंग जो फूड को दांतों के नीचे लेके जाता है तो च्यूइंग में भी ये हेल्प करता है देन आता है स्वेलोइंग फूड को निकलने में भी ये हमारी हेल्प करता है टंग फूड को निकलने में भी हेल्प करती है स्पीच बोलने में हेल्प करती है जब हम अपनी टंग से जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग ऊपर पैलेट हार्ड पैलेट पर टच होती है माउथ के ऊपर टच होती है तो ये स्पीच में भी हेल्प करता है टेस्ट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे टंग के ऊपर तो टेस्ट में भी ये हेल्प करता है नेक्स्ट आता है पैलेट अब पैलेट क्या होता है पैलेट होता है रूफ ऑफ द माउथ मतलब छत ऑफ द माउथ जब माउथ में हम टंग से अपनी सीधा टंग ऊपर लगाते हैं माउथ में ऊपर तो ये पैलेट को जाकर टच होती है द पैलेट रूफ ऑफ द माउथ फॉर्म्स अ डिवीजन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी ये क्या बनाती है डिवीजन मतलब डिवाइड करती है किसको नेजल और ओरल कैविटी को पैलेट तो औरल कैविटी आगे है और नेजल कैविटी पीछे है इट इज़ सेपरेटेड इनटू टू टू पार्ट्स दो पार्ट्स में ये सेपरेटेड है पैलेट जो कि हमें दिखाई देता है हार्ड पैलेट लोकेटेड एंटीरली फर्स्ट है हार्ड पैलेट तो एंटीरियरली मतलब आगे एंटीरियर मतलब आगे पोस्टीरियर मतलब पीछे और सुपीरियर मैंने पहले पढ़ाया था मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे तो हार्ड पैलेट एंटीरियरली लोकेटेड होती है मतलब ऊपर ऊपर और आगे लोकेटेड है तो जैसे ही हम अपनी टंग को ऊपर टच करते हैं तो ये है हार्ड पैलेट ये बोन का बना होता है इसलिए इसको हार्ड बोलते हैं ये इट इज़ इमोबाइल इमोबाइल होता है ये हिल नहीं सकता ठीक है तो अपनी टंग को ऊपर टच करो तो ये है हार्ड पैलेट देन सॉफ्ट पैलेट सेकेंड है सॉफ्ट पैलेट होता है हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे अपनी टंग को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ और ये है सॉफ्ट पैलेट टंग को पीछे लेके जाओ और हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे है सॉफ्ट पैलेट लोकेटेड पोस्टीरियरली पीछे की तरफ लोकेटेड है ये ये मसल फाइबर से बना होता है इसलिए इसको सॉफ्ट कहते हैं इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग स्वेलोइंग हार्ड पैलेट इमोबाइल है लेकिन सॉफ्ट पैलेट क्या है हिल सकता है तो ये एलिवेट हो जाता है जब हम स्वेलो करते हैं मतलब जब हम फूड को निगलते हैं तो ये एलिवेट मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर हिलता है जिससे क्या होता है दिस प्रिवेंट्स द फूड बॉल्स फ्रॉम एंटरिंग द नेजो फेरिंग्स तो ये फूड को नेजो फेरिंग्स में एंटर होने से प्रिवेंट करता है मतलब नोज में एंटर नहीं होता फूड फूड अपना और फेरिंग्स में जाता है फूड पाइप में ही जाता है इसकी हेल्प से तो ये नेजल कैविटी जो नेजो फेरिंग्स है उसको कवर कर लेता है स्वेलोइन के टाइम पे देन आता है यूवियोला यूवियोला क्या होता है अ कर्व्ड फोल्ड आप देख रहे हैं ये है सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला इसके बीच में एक मसल का ये मसल हुआ हुआ का ये सॉफ्ट पैलेट के बीच में हैंग करा है इसको बोलते हैं यूवियला एक पेंडुलम जैसा है सो so इसको यूवियला बोलते हैं देन फंक्शन क्या है इसके इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग ने ये भी नेजल कैविटी पीछे जो नेजल कैविटी है फूड को प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी में जाने से फर्स्ट फंक्शन इसका ये है सेकेंड है हेल्प्स इन स्पीच बोलने में भी ये हमारी हेल्प करता है अब ये ओल जो पार्ट्स हैं वो कवर हो गए हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी सो so, कुछ फन फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किया माउथ के बारे में फर्स्ट uh, है द इनसाइड ऑफ योर माउथ कंटेन एज मैनी बैक्टीरिया एज देयर आर पीपल ऑन अर्थ क्या आपको पता है कि माउथ में इतने सारे बैक्टीरियाज़ हैं कि जितने अर्थ पर लोग हैं पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उतने ही बैक्टीरिया हमारे माउथ में आप सोच सकते हैं कि इतने सारे बैक्टीरियाज हमारे माउथ में हैं सेकेंड है मेनी डिसीजेज आर लिंक्ड टू ओरल हेल्थ इंक्लूडिंग हार्ट डिसीज़ डायबिटीज़ एंड ओस्टियोपेरिस बहुत सारे डिसीजेज हैं जैसे कि हार्ट डिसीजेज़ डायबिटीज़ ओस्टियोपेरिस ये हमारी ओरल हेल्थ से रिलेटेड हैं क्लो थर्ड है क्लोज योर माउथ वाइल स्विमिंग बिकॉज क्लोरीन कैन वियर डाउन इनेमल इनेमल हमने पढ़ा था क्राउन के ऊपर इनेमल होता है टूथ के ऊपर जो हार्डेस्ट पार्ट है तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें अपना माउथ बंद कर लेना चाहिए क्योंकि जब पानी दांतों पर पड़ता है तो उसे इनेमल जो है क्योंकि पानी में क्या होता है क्लोरीन होता है तो इनेमल उसे ख़राब हो सकता है नेक्स्ट द टंग इज़ द ओनली मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट वर्क्स विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द स्केलेटन अब क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में जो टंग है उसमें कोई भी बोन नहीं है और बिना बोन के ये बिना बोन के वर्क करती है टंग इसको कोई भी सपोर्ट नहीं है बोन बोन की ओर से कोई सपोर्ट नहीं है बिना बोन्स के टंग वर्क करती है नेक्स्ट नो टू पीपल हैव द सेम सेट ऑफ टीथ अ परसन टीथ आर एज यूनिक एज देयर फिंगर प्रिंट्स जैसे ही फिंगरप्रिंट होते हैं किसी भी पर्सन के दो पर्सन के फिंगर प्रिंट सेम नहीं हो सकते हर पर्सन के फिंगरप्रिंट से अलग अलग होते हैं ऐसे ही सेट ऑफ टीथ जो हमारा दांतों का सेट है वो भी हर हर पीपल का अलग होता है देन स्माइलिंग हेल्प्स यू लिव लॉन्गर एवरी टाइम यू स्माइल योर बॉडी प्रोड्यूसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ गिविंग यू एन इम्यूनिटी बूस्ट तो स्माइल हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है क्योंकि जब भी हम हंसते हैं जब भी हम स्माइल करते हैं तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्ट होती है एंड लास्ट है द इनेमल ऑफ द द इनेमल ऑन द सफेज ऑफ योर टीथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटांस इन योर होल बॉडी हमारी पूरी बॉडी में इनेमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटांस है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो आई होप ये आप सबको ईजी समझ आ गई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको ये वीडियो समझ आई अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल